नमस्कार, मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। जब से जो बाइडेन की ओर से अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने के फैसले की घोषणा हुई है, तब से ही वहां पर हालात मुश्किल होने लगे हैं। अफगानिस्तान पर एक के बाद एक कई हमले हुए और अब एक बार फिर से अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरपोर्ट पर 3 रॉकेट दागे गए हैं। इनमें से 2 रनवे पर गिरे और ब्लास्ट हो गए। एयरपोर्ट के चीफ मसूद पश्तून ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि रनवे को ठीक करने का काम किया जा रहा था। वहीं रविवार शाम तक काम पूरा होने की उम्मीद थी। आपको बता दें कि शनिवार देर रात हुए इस हमले में किसी की जान जाने की खबर नहीं है। हमले के बाद सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हमले के पीछे तालिबान का हाथ माना जा रहा है, क्योंकि ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब तालिबान के लड़ाकों ने हेरात, लश्करगाह और कंधार को चारों तरफ से घेर रखा है। फिलहाल कंधार में उनकी अफगान सुरक्षा बलों के साथ जंग जारी है। बताते चले कि कंधार अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ के हवाई अड्डे का उपयोग अफगानिस्तान की सेना को हथियार और रसद भेजने में भी किया जाता है। इसलिए तालिबान इस एयरपोर्ट पर कब्जा कर अफगान सेना को मिलने वाली मदद को रोकना चाहता है। पिछले 2-3 हफ्तों में तालिबान ने इस इलाके में हमले बढ़ा दिए हैं। अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेज ने अमेरिका की मदद से तालिबानियों के कब्जे वाले कई गांव खाली करा लिए हैं। फोर्सेज के एक्शन के बाद ये साफ हो गया है कि तालिबानियों के हिंसा में पाकिस्तानी लड़ाके भी बराबरी से शामिल हैं। मुठभेड़ के दौरान ऐसे कई लड़ाकों को अफगानी फोर्सेज ने मार गिराया है जो पाकिस्तानी सेना में अफसर हैं। इनके पास से पाकिस्तानी आई कार्ड भी मिले हैं। यहाँ पर तालिबान के लड़ाके घुस चुके हैं और सुरक्षा बलों के साथ लगातार जंग लड़ रहे हैं। युद्ध की वजह से अभी तक कंधार से हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों में जाकर शरण ली है। पाकिस्तानी संगठन अफगानिस्तान पर तालिबान की बढ़ती पकड़ का फायदा उठाने की फिराक में है। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन भारत को निशाना बनाने के लिए दोबारा आतंकियों को तैनात करेंगे। एशियाई मामलों की रिपोर्टिंग करने वाले एक न्यूज लेटर की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। आपको बता दें कि ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका की मदद से तालिबानियों के कब्जे से कई शहर वापस लिए जा चुके हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।